एक और आईसीसी ट्रॉफी आईपीएल पे कुर्बान हो गई। आईपीएल के शेयर डब्ल्यूटीसी के फाइनल में हो गए पूरी तरह से ढेर। डब्ल्यूटीसी फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने दी शर्मनाक मात। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है, मैं शुभम। टीम इंडिया को आज ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से करारी मात दी है। जी हां, डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जहां पूरी दुनिया की नजर इस मुकाबले में थी, इस मुकाबले में टीम इंडिया को 200 रनों से ज्यादा से हार का सामना करना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया ये मुकाबला बड़े आराम से जीत लिया है और इसके साथ ही टेस्ट का बादशाह भी बन गया है। जी हाँ, डब्ल्यूटीसी 2023 का आयोजन इस बार इंग्लैंड के द ओवल मैदान में था और इस मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इतिहास रच दिया और इसके साथ ही टीम इंडिया के नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। टीम इंडिया बैक टू बैक 9वीं बार आईसीसी की ट्रॉफी हार गई। इस बार भी फाइनल खेल रही थी, इस बार कप्तान रोहित शर्मा थे। पिछली बार जब आईसीसी ट्रॉफी का फाइनल खेली थी तब कप्तान विराट कोहली थे, वहां पर न्यूजीलैंड ने हराया था, यहां पर टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हराया और इसके साथ ही टीम इंडिया का सफर खत्म हो चुका। अब अगली बार इंतजार करिए, टीम इंडिया फिर फाइनल में पहुंचे और आईसीसी की ट्रॉफी जीत सके। लेकिन इस बीच सवाल उठने लगे कि ये आईपीएल के शेयर हैं डब्ल्यूटीसी के फाइनल में कमाल नहीं करेंगे या कहीं ये आईसीसी की ट्रॉफियों में कमाल नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं इनके जवाब है मेरे पास। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के शेयर हैं। जी हाँ, शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाए। आपको बता दें 890 रन शुभमन गिल ने बनाए थे इस सीजन में, ऑरेंज कैप जीती थी, टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज बने थे। लेकिन जब डब्ल्यूटीसी की बारी आई तो इनके बल्ले से रन नहीं आए। पहली पारी में बनाए 13 रन, दूसरी पारी में शुभमन के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 18 रन निकले और इसके साथ ही एक शर्मनाक रिकॉर्ड बन गया। बात करेगा रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा ने आईपीएल के पूरे मैच खेलते हुए 332 रन बनाए थे, लेकिन जब डब्ल्यूटीसी का फाइनल आया, देश की बात आई, तो इनके बल्ले से रन ही नहीं निकले। पहली पारी में 15 रन बनाते हैं, दूसरी पारी में 43 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं, टीम को मझधार में छोड़ जाते हैं। बात करें द किंग कोहली की, इस बार आईपीएल में 2 शतक लगाए, कमाल की फॉर्म में चल रहे थे, 639 रन बनाए, लेकिन जब बात आती है देश के लिए तो देश के लिए इनके बल्ले से एक अर्धशतक भी नहीं निकला। जी हां, पहली पारी में विराट के बल्ले से मात्र 14 रन निकले, जब दूसरी पारी खेलने आए या कहीं मझधार में टीम फंसी थी तो मात्र 49 रन बनाकर पवेलियन वापस चले गए, इनके बल्ले से भी रन नहीं निकले। बात करें अजिंक्य रहाणे की, आईपीएल में तो दमखम दिखाया, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत इज्जत बताई, लेकिन मैच जिताऊ प्रदर्शन उनका भी नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के शेर हैं, अपने घर पर खेलने के शेर हैं, द्विपक्षीय सीरीज के शेर हैं। जब इन्हें आईसीसी ट्रॉफी में मौका मिलता है तो वहाँ ये पूरी तरह से फ्लॉप नजर आते हैं, इनमें से कोई भी खिलाड़ी वहाँ पर नहीं चलता है। सिराज हो, आरसीबी के लिए विकेट लेते हैं लेकिन देश के लिए विकेट नहीं ले पाते। मोहम्मद शमी हो, पर्पल कैप जीतते हैं लेकिन जब नंबर आता है देश के लिए विकेट लेने का, ट्रेविस सेट 150 से ऊपर बना जाते हैं। स्टीव स्मिथ 121 रनों की पारी खेलते हैं लेकिन ये खिलाड़ी उनका विकेट नहीं ले पाते। आईपीएल में इनके पास सबसे ज्यादा विकेट जरूर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के शेयर हैं, देश के लिए ये पूरी तरह से ढेर हो जाते हैं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं इस हार को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube में सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।